अरे यार क्यों रो रही हो ना मम्मी, इतना रो रही हो, क्या रहेगा? झूठ बोल रहे हैं। दीदी के घर से गांव का व्यू और ये सामने दिख रहा है ताजमहल। आंटी ने देख लिया। आंटी ये सिमरन कारूस पे गई, निकल ही रहे थे बात करने के लिए। मम्मी का मेरे बच्चे के जैसे डुप्लीकेट कौन दिख रहे? मम्मी को सरप्राइज देने जा रहे हैं, मम्मी का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है हमारे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको मेरा ट्रेन में ट्रैवल करने वाला व्लॉग बहुत पसंद है, तो हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरी मम्मी गांव में है, आगरा में है। मम्मी को सरप्राइज देने जा रहे हैं, मम्मी का बिल्कुल दिल नहीं लग रहा है हमारे बिना। तो मैं पैकिंग कर लेती जल्दी जल्दी और चलते। अरे ये तो मैं बताना ही भूल गई थी, हम लोग कौन कौन जा रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ, मुस्कान शर्मा जा रही है, शर्मा मुस्कान जा रही है, कानपुर शर्मा जा रही है, कुल्लू मजा कर रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ, सिमरन जा रही है, आरुष जा रहा है, अंजना जा रही है, अयान जा रहा है और आशीष जा रहा है। आशीष वहां से अपने गांव निकल जाएगा राजस्थान, तो बस हम लोग ही जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या सामान पैक किया। मैंने सिर्फ जरूरतमंद का सामान पैक किया। इसमें मैंने कपड़े, पिल्लो और एक ब्लैंकेट बोली चादर ली है, क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है चादर और कंबल मिलता नहीं है, ये सब तो ठीक है। ये वाले सेक्शन में मैंने पैक किया है आई मास्क है रात में सोने के लिए। इसमें सारा सामान है, फेस वॉश, बॉडी वॉश, हैंड वॉश, क्रीम, नाइट क्रीम, ये वो, बॉडी लोशन, एक्स वाई जेड, सब कुछ, रोज वाटर, सब कुछ है इसके अंदर। एक परफ्यूम लेके जा रही हूँ, इसके अंदर मेरी छोटी मोटी ज्वेलरीज है, और एक सॉक्स लेके जा रही हूँ। इसमें बस इतना ही था। ये वाले सेक्शन में मैंने एक स्पीकर रखा है, एयरपॉड रखे हैं, इसमें मेरे इनर वेयर है, और एक छोटा सा कम बैग रखा है। और ये वाले बैग में मैंने अपने हील्स रखे हैं। हील्स और शूज कितने इसमें, 1, 2, 3, 4, 5 है इसमें। तो वैसे ज्यादा दिन के लिए नहीं, बट फिर भी कभी जरूरत पड़ गई तो इतना भारी भी नहीं है। ऑब्वियसली टिश्यू, वेट टिश्यू, इसमें बैंडेड है कभी लग जाए तो, और सरदर्द का गोली है, और हमारा कैमरा का बैग है साथ में, हमारी लाइट्स है, और छोटी सी स्लिपर्स है। बस इतना ही सामान मिले जा रही। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो काफी लेट हो गया, 11 बज गए और 1 बजे हमें एनी आउट घर से निकलना है, क्योंकि हमारी ट्रेन है सीएसटी से, वो भी 4 बजे की। तो 2:15 हो रहे और अभी हम जल्दी जल्दी निकलते, तो निकलने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। अब हम 2 रिक्शा करके जाएंगे क्योंकि हम ज्यादा लोग हैं। ओके, तो ये हमसे कुछ हेल्प मांग रही थी, तो मैंने सोचा मैं इनकी हेल्प करूं, बट इनके दांत से, इनके हाथ में शिकर का एक पैकेट था, मतलब गुटका, गुटका। तो हम हेल्प तो कर सकते, लेकिन आप ये सब खाते हैं तो गलत बात है, मत खाओ। वो भी इतनी छोटी सी, इनके दांत भी खराब हो रहे हैं, ये करो। ऑब्वियसली मम्मी वीडियो कॉल करेगी, तो मम्मी पूछेगी ट्रेन में तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी सूरत में कुछ काम से जा रही हूँ, इसलिए क्योंकि स्टोरीज वगैरह डालेंगे तो मम्मी देखेगी हम लोग ट्रेन में। अभी हम ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन अंदर जाके इतनी गर्मी, इतनी पसीना कब तक हो रहा है, क्योंकि एसी चालू नहीं है, क्योंकि इंजन नहीं लगा। हमारा कंपार्टमेंट 26 है, पर हम 27 में बैठे हैं, क्योंकि वहाँ का एसी नहीं चालू है, यहाँ एकदम चिल्डर, और वहाँ यहाँ कश्मीर लग रहा है, और वहाँ लग रहा है राजस्थान। राजस्थान में जो रेत होती है वैसा लग रहा है, तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, लेकिन सब हमारे साथ ही क्यों होता है। आई होप ये बस इतना ही प्रॉब्लम है, आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना हो लास्ट टाइम की तरह, बट आई होप आप सबको मजा आएगा। कल ही दुबई जाऊंगा, ऐसा नोट भी अपने जैसे। 5050 4343
रुपए ये जीता है, 200 रुपए आयान जीता है, एक जल्दी फाइव एक और फुल हाउसी कौन जीता है पता है, आरुष। तो सब लोग सो गए हैं और सिर्फ मैं और आरुष जागे हैं। तो अब मैंने भी नाइट सूट पहन लिया है, अब मैं भी सो जाती हूँ। सुबह 7:30 को हम लोग आगरा कैंट स्टेशन पहुँच जाएंगे। और लेकिन मम्मी को सब तुरंत जाते ही नहीं देंगे, हम लोग पहले होटल बुक करेंगे, मेरे घर के बाजू में है। अभी 10-15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, सुबह के कुछ 7:30 हो रहे हैं, तो मैंने ब्रश कर लिया है, देखते हैं कुछ नाश्ता है। तो हम लोग आगरा कैंट स्टेशन पे उतर गए और तो अभी हम होटल जाएंगे और चेक इन टाइमिंग तो 12 के बाद है और सुबह के 8 बजे 9-10 4 घंटा में यहाँ वहाँ घूमना पड़ेगा। देखते हैं 4 घंटा लस्सी वस्सी पिएंगे। आ जाओ, ये लोग को सामान रखने आता नहीं है, मैं अभी किसी और अंकल का बैग उठा के लेके जा रहा था। अंकल बोलते दिस इज माय, अंकल ने ऐसे क्या, मतलब अंकल हाथ में ला रहे पर बोलते अरे मेरा बैग है। पता है मम्मी से मिलने की इतनी खुशी है, मम्मी कितना खुश हो जाएगी हम लोग को देख के। बस हम लोग थोड़ी सी दूर है मम्मी से, पर हम लोग अभी नहीं मिलेंगे मम्मी से, आराम से फ्रेश होके फिर हम मिलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और चेक इन के लिए देखते हैं थोड़ा लस्सी वगैरह पी लेंगे, घर तो अभी जा नहीं सकती हूँ। तो हमें कचौरी और लस्सी खानी थी, तो अभी हम रिक्शा से जा रहे हैं। पता है क्या है, एक सवारी का 10 रुपए है, तो वाह मेरे 10 रुपए मेरे पास है, मैं दे दूंगी। तो चलो अब हम कचौरी और लस्सी खाएंगे। मुझे शूट करा है, मैं आरुष को शूट करके आते खेलेंगे। तुम्हारी आज छोटी है ना, फाइनली आ जाओ गाइस। तो सबको ये लगेगा कि मैं थक गई हूँ, बोलूंगी मैं सोऊंगी, बट नहीं मैं नहीं सोऊंगी, मैं नहा धो के आराम से स्पा जाऊंगी। नहीं नहा धो के स्पा क्यों जाऊँ, मैं पहले स्पा जाऊंगी फिर नहाऊंगी दूंगी फिर मम्मी को सरप्राइज दूंगी। चलो, जब तक सब लोग फ्रेश हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा स्पा कर लूं, तो यस हो गया है, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हो गया था। बहुत ही रिलैक्सिंग था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था मसाज, एकदम रिलैक्स, एकदम स्ट्रेस फ्री फील हो रहा है। अब मैं ऊपर जाऊंगी रूम में और उसके बाद मम्मी के पास जाने की तैयारी। तो मेरी मम्मी बस यही है, मतलब थोड़ी बाजू में ही है, तो वो वहां पे और मैं यहाँ पे, उनको पता नहीं है, तभी मैं उनको कॉल करके बोलती हूँ, क्योंकि मैंने उनको झूठ बोला है कि हम सूरत गए हैं, तो कॉल करके देखती हूँ। मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है। नमस्ते अर्जुन माँ। नमस्ते। रो रही है। अरे मम्मी क्यों रो रही हो, अरे मम्मी रोना क्यों है, मैं यहाँ से फिर आपके पास ही आ रही हूँ, रोती क्यों हो मम्मी आप, मेरा दिल दुखता है फिर। फाइनली जिस चीज के लिए हम इतनी दूर 15 घंटे ट्रैवल करके पूरे 1200 किलोमीटर आए हैं, मम्मी से मिलने, अब हम फाइनली मम्मी से मिलने जा रहे हैं। और मैंने सोचा था कि एक दो वीडियोस बनाऊंगी फिर जाऊंगी, लेकिन नहीं, जब से मैंने मम्मी को रोते हुए देखा है कुछ भी नहीं, मैं डायरेक्ट बस मम्मी से मिलने जा रही हूँ। मम्मी का रिएक्शन के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। ओह शिट, आंटी ने देख लिया। अरे यार आंटी ने देख लिया। मम्मी क्यों रो रही है, मैं आंटी से मिलूंगी पहले। मम्मी पहले से प्लानिंग चल रही है। अबे मम्मी क्यों रो रही हो आंटी, क्यों रो रही हो ना मम्मी, इतना रोई मैं क्या करूं, मैं क्या बताऊं, प्लीज मत रो। अरे मैं क्यों रो रही हो आप, आंटी का रिएक्शन क्या रहेगा। नमस्ते अर्जुन माँ। नमस्ते अर्जुन माँ। मुझे तो मेरे मम्मी कैसा झूठ बोला मैंने आपसे, पर आंटी ने देख लिया हम लोग को। कोई ना यार, आंटी तुझे कैसा लगा हम लोग को देख के पहले? हाँ आंटी कैसा लगा देख के? अच्छा लगा मम्मी, शॉक थी। मम्मी हम लोग सामने से चल गए, आपने क्या सोचा?
अंडी दूर से। तो हमारे मामा को हमेशा से सालों से वो कबूतर पालते हैं और ये कबूतर रोज बाहर घूमते भी लेकिन रिटर्न यही आ जाते हैं। तो ये है मुस्कान दीदी के घर से गांव का व्यू और ये सामने दिख रहा है ताजमहल। फिर आयान आयान के कपड़ों पे फिर आरुष पे गई, फिर मैं भाग के आई। हाँ भाग के आई, फिर बाद में तुम लोग देखे मुझे। अरे हमें लगा आप घर में होगी, हमने कैमरा चालू नहीं करा, आपका रिएक्शन आधा ही ले पाया। हमने लगा घर में घुलते लेकिन आप तो बाहर मिल गए। हम जस्ट निकल ही रहे थे बात करने के लिए। मम्मी का मुँह ऐसा होगा, हमें देखा मम्मी ये मेरे बच्चे के जैसे डुप्लीकेट कौन दिख रहे हैं। ठंडी है तो बहुत। आपको बिल्कुल शक नहीं हुआ ना? आई होप आपको हमारा ये सरप्राइज पसंद आया हो। सरप्राइज के बाद सरप्राइज, पहला सरप्राइज, दूसरा सरप्राइज, बट ये सरप्राइज तो बहुत बड़ा वाला था। बट मम्मी आप हमें खुशी खुशी मिलते हैं, हंस हंस के आप दोनों मम्मी यार रो रो कर मिली। पर कोई बात नहीं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद है। हमें कुछ वीडियो कुछ भी नहीं, पूरा शाम हम घूमेंगे, मम्मी के साथ रहेंगे, थोड़ा फोन से दिमाग हटा के मम्मी के पास रहेंगे। और अगर